भगवान जी, दिस इज सो नॉट फेयर। अरे यार, ऐवे हर्ट करवा दिया मम्मी पापा को। मतलब क्या सच में मुझे आप अंडरकवर एजेंट नहीं बनवा सकते थे? आपको क्या करना था? पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम तो देना नहीं था ना, सिर्फ चुटकी बजानी थी, वो भी नहीं किया। भगवान जी, प्लीज 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 यार, एक चुटकी बजा दो, एक चुटकी। अंडरकवर एजेंट नहीं तो फिर स्टेट एजेंट ही बनवा दो। उसके बाद ना मैं जो अपना छानी चौक वाला मंदिर है ना, वहाँ पे कथा करवाऊंगी, हलवा पूरी प्रसाद बढ़वाऊंगी, बूंदी के लड्डू भी पक्का। अच्छा, एक और आइडिया है, एक काम करो, आप ना पापा की याददाश्त ही गायब कर दो। नहीं मतलब वैसी वाली याददाश्त नहीं, मतलब वो दो चार दिन जितने दिन ही नाटक चला ना, उसकी याददाश्त एकदम गायब कर दो यार। उसके बाद चमेली के तेल की खुशबू तो पापा अब, पापा वो मैं तो ये मैं यहाँ पे ना अरे कौन लड़की है तू है और मैं कौन हूँ, मुझे तो कुछ याद ही ना रहा। अरे हे भगवान, पापा की याददाश्त चली गई। पापा हे भगवान, ये क्या कर दिया ये, मैंने तो बोला था कि दो चार दिन की मेमोरी उड़ाना, ये तो मेमोरी कार्ड उड़ा दिया मेरे पापा का। पापा होश में आओ, पापा मैं आपकी बेटी हूँ, पापा मैं इलायची हूँ। सुन, मेरी कोई याददाश्त ना गई है? अब भगवान अगर ऐसी बेकार की बातें, बेकार की इच्छाएं, वाहियात इच्छाएं अगर पूरी करने लगे ना तो चल गई दुनिया। अरे भगवान सिर्फ उसी की इच्छाएं पूरी करता है जो मेहनत करता है, समझ रही तू? और सुन, भगवान ने हमें दो हाथ कर दिए हैं, दो आंखें दी, दो कान दिए और एक तेज दिमाग भी दिया है, उसमें सारे सॉफ्टवेयर भर दिए और ये भी समझ दिया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, समझ रही तू? अगर तू मेहनत करेगी ना तो अंडरकवर एजेंट क्या, तू तो एजेंट 007 भी बन जाएगी, जेम्स बॉन्ड भी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले 11वीं पास कर ले। पापा आप भी ना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रखा है। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा। सॉरी आपको परेशान किया ना मैंने। सुन, अब तू मेहनत करेगी, पक्का प्रॉमिस है ना? हाँ मेहनत करूंगी। चल, क्या करना है, लकड़ी वकड़ी तो नहीं तोड़ना? इलायची जी ने ना इस बार सच में मुझे हर्ट कर दिया, इतना बड़ा झूठ बोलकर। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, कहीं पे भी किसी के भी साथ कुछ भी बात ही नहीं करूंगा। जीजाजी छत पर है? नहीं इलायची जी, जीजाजी छत पर नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में काले सांड की सवारी कर रहे हैं, 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जिंदगी का आनंद ले रहे। आहा। क्या हुआ पिंटू भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो? सुनीता जी, हम ना बहुत दुखी हो रखे हैं, हमको आपसे बात नहीं करनी, आप जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब मुझसे ऐसी क्या खता हो गई? इलायची जी, आपने सेठ जी और आंटी जी का दिल दुखाया। कंफर्म? सिर्फ मम्मी पापा का दिल दुखाया, किसी और का नहीं? और किसका दिल दुखाएंगे आप? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका भी दिल दुखा है पिंटू भाभी। दिल? ना ना, हमारा दिल कतई ना दुखा है, हम दिल एकदम सही, हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं, देखो खुश हैं हम। असली नहीं, आपकी हंसी में वो बात नहीं है जीजा जी। हाँ तो ठीक है इलायची जी, आपको सब कुछ साफ साफ बता देते हैं, आपने इस बार हमें बहुत हर्ट किया। पर मैंने आपको कैसे हर्ट किया? बस हर्ट किया। तो क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? इलायची जी, आप हमसे क्यों माफी मांग रही हैं? Because I love you. I love you, पिंटू। भाभी। आप ही बोलिए ना, I love you too. अरे सुनीता जी, हमको ना बोलने में शर्म आ रही है। प्लीज पिंटू भाभी, प्लीज बोलिए ना। अच्छा आप कह रही हो तो फिर हम बोल देते हैं।
I love you too. Just kidding. Joking, Jijaji. Joke tha. हमें पता है Elaichi जी अभी आपने जोक नहीं किया है। जीजाजी, कल स्कूल छोड़ने चलेंगे ना फिर से? बिल्कुल भी नहीं। So cute. अरे सुनिए तो जीजाजी। चटंकी भैया, खा लो। जीजी, ये फायदा होता है। शादी करनी पड़ेगी .com पे फोटो डालने से। 150 मैसेज आके पड़ा हुआ है छटंकी के लिए। देख ये वाला देख, बाहर निकल आई तो लहरा जाएगी ऐसे करके। खूबसूरत है भाई, बहुत बहुत अच्छी है। सुन करू, अगर ये तुझे मोबाइल पे कोई जमीन अमीन खरीदने के लिए कह रहा हो ना तो खरीदियो मत। अरे छटंकी की कीमत ना मालूम है तुम्हें अभी? सेल के आइटम की क्या कीमत बता। चलो, हमने शादी करनी पड़ी .com पे फोटो डाली थी, समझ गए? 150 मैसेज आके रखा हुए हैं। चटंकी भैया, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और वैसे भी आस पड़ोस के सारे लोगों ने ना तुम्हें अपनी लड़की देने से भी मना कर दिया। देखा, पहला मैसेज सुन लो। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई फोटो डालने की? मेरी लड़की को तो मर्जात से नफरत हो गई। दूसरा सुन, तो सुन ले भाई, दूसरा सुन ले। मनुष्य, पोते खिलाने की उम्र में लड़की ढूंढ लिया है, घर में घुस के मारूंगा। अरे छोड़ कुछ ना, तीसरा सुनो, तीसरा सुना दे भाई। अबे शक्ल से तो तू चोर चक्का लग रहा है। अगर तूने अपनी फोटो यहाँ से नहीं हटाई तो जेल में डलवा के मार लूंगा। हेलो, अरे ना 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 ना, अरे सिर्फ जो है लहंगे मिलते हैं यहाँ, ना ना ब्लाउज ना सिलते हैं। क्यों ना सिलते हैं? ब्लाउज भी कपड़ा होता है, कह रहे को तो जो है कच्चा भी कपड़ा होता है, तो वो भी सिलेंगे क्या? बात करने बेकार की। आप सेठ जी, ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए, कोई फायदा नहीं। आप कहें तो आपके लिए एक ठंडी ठंडी लस्सी ले आए, अच्छा लगेगा, पारा नीचे हो जाएगा। सुन बे परिक्रम, सेठ जी पंचम। अबे हां भाई, अगर तेरा तफरी करने का मन हो रहा है तो खुलकर बोलते, मेरे नाम का बिल क्यों फाड़ रहा है? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो हमें कीले से गाड़ सकते हैं दुकान पे, हम आपसे शिकायत भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है सेठ जी। अबे काम चोर, अगर मैं तुझे कीले से या गाड़ दूंगा तो कस्टमर के साथ क्या मैं बातें करूंगा? फिर मैं उठा उठा के दूंगा लेंगे हाल से कहीं का? बात कर रहा है बेकार की। गुड मॉर्निंग पापा। हाय जीजा जी। गुड मॉर्निंग Elaichi जी। पापा, वो ना मुझे जनपद जाना है, सेल लगी थी ना, तो मेरी फ्रेंड ने ना बैग्स भर भर के, मतलब 9 बैग्स भर के शॉपिंग की है, बस वही लेके आना है। 9 बैग भर के शॉपिंग की है? ओहो पापा, चिंता क्यों कर रहे हो, सारे बैग्स मेरे नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन 9 बैग में से तेरे कितने हैं? बस 8। क्या? हाँ, और वो ना बैग्स बड़े भारी है, और ये नाजुक कंधे इतने सारे बैग्स का वजन नहीं उठा पाएंगे, तो अब जीजा जी को भेज दो ना। सुन सुन, एक काम करती, तू एक गधा भी खरीद लेती, जो पैसे बचे होंगे वो भी तो खर्च करने हैं कहीं ना कहीं। मेरे पैसे में तो शराब लगा रखा है तूने। अरे हमेशा हेल्प के लिए थोड़ी ना बोलती हूँ जीजा जी से, पर वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि बहुत भारी 8 बैग्स हैं। कोई बात नहीं, आप ही उठा लोगे, चलो आप ही चल लो। आप सुन, भारी बैग है वो भी 8। हाँ? एक काम कर, अबे तू पड़ा पड़ा यहाँ क्या कर रहा है, तू चला जा Elaichi के साथ जा।
नहीं नहीं सेठ जी, आप अकेले कैसे संभालेंगे दुकान को? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर तू यहाँ से चला गया तो दुकान में ना चला पाऊंगा? बात कर रहा है बेकार की, जा चल। नहीं सेठ जी, हमारा वो मतलब नहीं था। सेठ जी हम जा रहे हैं। इलायची जी चलिए ना, आप कह दे तो हम चले जाएंगे सेठ जी। हाँ ठीक है पापा, मैं जल्दी भेज दूंगी। हाँ ध्यान से जाइयो। हाँ हाँ चलो बाय। ठीक है जाओ जाओ जाओ। जीजा जी आपने पहले से डिसाइड कर लीजिए क्या आपको तीखे वाले गोलगप्पे खाने हैं या मीठे वाले। वो क्या है ना, दुकान पे जाके मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हाँ चलिए, किसका वेट कर रही हो? चलो 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 चलो। आठ बैग भर के शॉपिंग करी आई, बताओ। अरे ये तो पंचम की माँ का फोन है, अगर ना उठाया तो परेशान हो जाऊंगी। हेलो। हेलो पंचम पुत्र, कैसा है तू? अरे माता जी प्रणाम, मैं पंचम ना बोल रहा हूँ, मैं मुरारी लाल बंसा बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पंचम काम करता है। अच्छा नमस्ते नमस्ते सेठ जी। हाँ मैं पंचम की मम्मी जी बोल रही हूँ, हरिद्वार गई थी ना इसलिए उससे बात नहीं हो पाई, जरा बात करा दीजिए। हाँ लेकिन पंचम तो जो है दुकान के काम से बाहर गया है। ओ अरे मिसेस पंचम। जी सेठ जी। इधर आइए। आई आई सेठ जी। अरे सुनिए जी सेठ जी, बताइए। आपकी सास का फोन है। बात 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 कर लीजिए, बात कर लीजिए। सास का फोन है सेठ जी, हम जो कह रहे हैं ना आप भी बात कर लो, कहे कि आप भी तो परिवार जैसे ही हो ना, हमको ना बहुत काम पड़ा है अभी, सब्जी लेने जाना, लेट हो गए ना तो फिर सब छटी छटाई सब्जी मिलेगी खराब खराब सी, है ना। अरे एक मिनट, कैसी बात कर रही हैं आप भी बेकार की। हेलो। हाँ अरे माता जी, हाँ वो मिसेस पंचम है यहाँ पे, मतलब पंचम की बीवी है। हाँ मैं उनसे बात करा रहा हूँ आपकी। लीजिए बात। हेलो मम्मी जी, पाय लागू सासू माँ। ए चुड़ैल कौन है तू? कब की मेरे पुत्र से शादी? हाय मेरा बच्चा तो मुझसे कुछ नहीं छुपाता था, जरूर तूने उस पे कोई जादू टोना किया होगा। ना ना मम्मी जी ऐसी बात ना है। क्या ना गुग्गू ने आपको बताया नहीं, सरप्राइज देना चाह रहे थे ना आपको, इसलिए छुपाया। हम तो पत्नी है उनकी, हमने ना लव मैरिज की है मम्मी जी। खसमानू खानिया मर जानी है, पहले तो तू मुझे मम्मी जी कहना बंद कर। क्या खिला दिया मेरे बच्चे को? मुझे पता है मेरा पुत्र मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करता। अच्छा ऐसा कर, तू शादी की फोटो मुझे जल्दी से भेज दे, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। हेलो 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 हेलो, कट गया फोन सेठ जी। हेलो फोन कट गया, मैं लुट गई बर्बाद हो गई, ये खूबसूरत चेहरा मैं किसी को दिखाने के काबिल नहीं रही। ओए पुनुआ मर जाने, ये क्या कर दिया तूने? अरे तो मैं फिर से मिला देता हूँ वो। ना सर जी, गुगू आएंगे तो फिर हम बात कर लेंगे दोबारा मिला के। अभी कहना सब्जी लेने जाना, फिर सब छटी छटाई मिलेगी ना बासी, अभी कहना बहुत काम पड़ा, बर्तन सब मांजने पड़े, खाना बनाया ऐसे ही पड़े सब, मैं चलती हूँ ठीक है। मिसेस पंचम जी कितनी अच्छी बात है, आपके सर पे जो है वो सास का साया है। अरे यही तो मुसीबत है, है? मतलब हम ये कह रहे हैं कि कितनी मुश्किल और मुसीबत से सास का साया मिलता है सेठ जी, है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत काम हो रखा है, ठीक है सेठ जी, खाना बनाना है। अबे विक्के ले, तेरी सास का फोन है, बात कर ले। आई लव यू डार्लिंग। Thank you. अबे चल।
अरे यार सेठ जी ने कहाँ फंसा दिया, अब समझ में आया कि बहुओं की सांस क्यों फूल जाती है सास के नाम से। बताओ मेरी तो असली भी नहीं है, फिर भी पंखा उखड़ गया, धमास हो रखा है। क्या करें यार, ये रायता कैसे समेटे भाई। भाई क्या बड़बड़ा रहा है, पागल हो गया क्या, चुड़ैल लेके बैठ गई सर पे। अबे चुड़ैल ना आ गई भाई, सासू माँ आ गई है। कौन सी सासू माँ यार। अबे मेरी सास यानी कि तेरी मम्मी, तेरी मम्मी का फोन आया था और सेठ जी ने मुझसे बात करा दी, बोले लो अपनी बहू से बात कर लो। तू मजाक कर रहे है ना। मजाक कर रहा हूँ, अबे मजाक तो मेरा हो रखा है यार, पता बिना शादी के सास और बहू मेरे मत्थे मर गए। अब तेरी मम्मी को सब पता चल गया कि तू शादीशुदा है, मैं तेरी बीबी हो रखता हूँ। क्या अबे तू पागल है क्या, क्यों बोला उन्हें तूने ये सब। अबे क्यों बोला, मजबूरी में बोला। अबे सब तेरी गलती है, तू दुकान पे फोन छोड़ गया, अब फोन पे फोन आया, सेठ जी ने फोन उठाया, मैं वहां से निकला तो सेठ जी ने मुझे फोन पकड़ा दिया। अब बता सेठ जी के सामने क्या बोलता तेरी मम्मी को, कि हम छड़े लौंडे हैं, हम नकली शादी करके झूठ बोल के सेठ जी को धोखा दे के उनके घर में रह रहे हैं। बोल बे यार, तू जानता नहीं है कितना बड़ा रायता फैला दिया तूने, तूने मेरी बेबे से झूठ बोल दिया यार। मैंने शौक से झूठ ना बोला है, मजबूरी हो रखी थी मेरी। अब तुझे अगर बुरा लग रहा है तो तू सच बोल दे, तेरी तो माँ है। अबे तू पागल है क्या, बेबे को सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती वो। तेरे को पता है एक बारी क्या हुआ था, पापा ऑफिस से आए और उन्होंने ये बोल दिया कि वो बाहर से खाना खा के आए हैं, झूठ बोला, और फिर उसके बाद डकार निकल गई, बेबे ने उन्हें निकाल दिया बाहर पूरे 2 महीने के लिए। भाई 2 महीने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता बेबे से, और उन्हें अगर हमारी ये नकली शादी के बारे में पता चल गया ना बेटा तो गए गए, मेरी एक ही बेबे है यार। अबे सबके एक ही होती है, दर्जन भर किसके होती माँ है। बहुत बड़ा रायता फैला है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। तेरी मम्मी को मेरी और तेरी यानी बहू बेटे की शादी वाली फोटो देखनी है। अबे तू किस भसड़ में फंसा दिया यार तूने। मैंने फंसा दिया, फालतू की बात ना कर। अरे यार अब जो भी है सो है, देख अगर फोटो भेजने से बात बनती है, उनको शांति मिलती है, तो आज ही 2-4 फोटो खींच के भेज देते उनको। अबे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, क्या अनशंट आइडियाज दे रहा है। मेरी बेबे को हमेशा से अपने लिए एक सुंदर सुशील और योग्य बहू चाहिए थी, तेरे साथ फोटो खींच के भेज दी ना मैंने तो उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। बस बस समझ गया मैं, मुझे पता है कि मैं लड़की भले खूबसूरत ना लगूं लेकिन लड़का बहुत हैंडसम हूं, सब तारीफ करते हैं मेरी। वैसे जो रायता फैला ना, इसको समेटने का मेरे पास एक आइडिया है। क्या जी जी, मैं सच्ची बता रही हूँ, जन्म मैंने सोचा था कि आप हमें गोलगप्पे खिलाने लेके आएंगे, ये हृदय परिवर्तन कैसे। नहीं नहीं वो इलायची जी, दरअसल क्या है कि आप और सुनीता जी हमेशा हमें गोलगप्पे खिलाती है ना, तो हमने और बुबू जी ने सोचा क्यों ना इस बार आपको गोलगप्पे खिला दिए जाए, है ना बुबू। हाँ गुगु जी जी, ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपकी जो शक्ल है आपका साथ नहीं दे रही है। इलायची जी वो दरअसल क्या है कि हमारी बेबे जो है ना, उन्हें पता चल गया कि हमने शादी कर ली है। Congratulations. पर ये बेबे कौन है? इलायची जी बेबे हमारी मम्मी है। ओ मम्मी जी, वो तो बहुत बढ़िया है, पर ठोक पीट के बता सकते हो कि पिंटू भाभी आपकी बीवी है, मिलवा दो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा इलायची जी, मिलेंगे तो ठोक बजा के ही मिलेंगे फिर। इलायची जी दरअसल बात यह है कि हमने बिन बताए शादी कर ली थी, और बेबे इस बात से बहुत नाराज है, उन्हें अभी अभी पता चला कि हमने शादी कर ली है, और अब वो हमारी पत्नी की तस्वीर देखना चाहती हैं, और उनकी हमेशा से इच्छा थी कि हम एक सुंदर लड़की से शादी करें, और अब हमें ऐसा लगता है कि पिंटू की फोटो देखने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद पिंटू इतनी सुंदर। बस बस बुबू समझ गए, ज्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत ना है, मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। एक मिनट, सॉरी टू से जीजाजी, लेकिन पिंटू भाभी ना बड़ी हॉट है, आप कहीं मेन नजरों से देख के तो देखिए। नहीं नहीं है, मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, मतलब इनकी फोटो नहीं भेजोगे तो क्या मेरी फोटो भेजोगे कुछ भी। जी इलायची जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने, हम हमारी और आपकी फोटो भेजना चाहते हैं बेबे को उनकी खुशी के लिए, प्लीज। हेलो कहाँ हो, वेयर आर यू। नहीं
आपने सोच भी कैसे लिया आपकी नकली बीवी बन के मैं आपके साथ फोटो खिंचाऊंगी? क्या आपने मुझे ऐसी और वैसी लड़की समझ के रखा है? एक गोलगप्पा तो जल्दी से। पहले गोलगप्पा मेरे मुंह में डाल लिया और फिर मैं सोचूंगी, जल्दी करो। सोच लिया? रुको यार, सोच लिया? बुबू ना, मैं नहीं कर सकती। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।